तो लॉज ऑफ मोशन में आपको सबसे पहली चीज ये समझनी है कि मैं सबसे पहले क्या किया था, एबीडी बनाया। एबीडी में अब तक मैं आपको तीन फोर्सेस मार्क करने में बता चुका हूँ। एक कौन सा वेट एमजी, जो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा, और जब कोई बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में होगी तो उस सरफेस से परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, उसका बता चुका हूँ। साथ में टेंशन टी का डायरेक्शन कैसे लोगे, मैंने आपको टी का डायरेक्शन बताया है। अब जब आपने एबीडी बनाया तो एबीडी बनाने के बाद सबसे, एबीडी का मतलब क्या हुआ, अगर सिस्टम बहुत इजी है तो जो आपको क्वेश्चन फिगर है वहीं पे क्या करो, डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगने वाले डायरेक्ट फोर्सेस को मार्क कर दो, दैट इज कॉल्ड एबीडी। क्वेश्चन में दो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं तो फिर उन्हें सेपरेट करो, आइसोलेट करो, उसी ओरिएंटेशन में बनाओ जिस ओरिएंटेशन में वो क्वेश्चन फिगर में है, उनके ऊपर लगने वाले फोर्सेस मार्क करो, और उनके ऊपर लगने वाले फोर्सेस मार्क करने के बाद ठीक है ना, फिर आपको क्या करना है, ये सोचो लॉजिक से कि ये बॉडी प्रॉबेबली किस ओर एक्सेलरेट हो रही होगी। जिस ओर एक्सेलरेट होने का चांस है, एक डायरेक्शन वाली ले लो, एक उसके परपेंडिकुलर ले लो, और कोई फोर्स एबीडी में बीच में है तो उसे कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व कर लो। फिर क्या करना है, जिस ओर एक्सेलरेशन होने का चांस है उस ओर का फोर्स माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स, दैट विल बी कॉल्ड इट्स नेट फोर्स। उसे हम क्या बोलेंगे, वो इसका नेट फोर्स हुआ। और नेट फोर्स को किसके इक्वल कर दो, मास एम इंटू ए के इक्वल कर दो, नेट फोर्स आएगा। तो नेट फोर्स देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ यही है। न्यूटन सेकेंड लॉ इज वॉट, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ गिवेन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। अनबैलेंस्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनबैलेंस्ड, F1 इस ओर है और F2 इस ओर है। इफ F1 एंड F2 हैड बीन इक्वल, सो नेट फोर्स वुड हैव बीन व्हाट, जीरो, देयर बी नो एक्सेलरेशन। अनबैलेंस्ड मीन्स व्हाट, F1 इज अलोंग दिस डायरेक्शन, F2 इज डिफरेंट देन दैट, दैट बिकम्स F1 माइनस F2। सो दिस इज व्हाट नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, एंड दिस फोर्स विल कॉज द एक्सेलरेशन। सो दिस फोर्स एफ बिकम्स इक्वल टू व्हाट, मास एम इंटू ए। दैट मीन्स ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन विल राइट ओनली वॉट, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। नेट मीन्स इस ओर एक्सेलरेशन है, इस ओर का फोर्स माइनस इस ओर का फोर्स, दैट इज नेट फोर्स। ऑन द अदर साइड बी वॉट, ओनली मास एम इंटू एक्सेलरेशन ए, केवल मास इंटू एक्सेलरेशन होगा दूसरी साइड में। आप समझ गए मेरी बात, इज दैट क्लियर? अब मैं जो है ना, अब मैं आपको एक और भी नए कॉन्सेप्ट से, स्ट्रिंग्स के टेंशन के बारे में, आई हैड टोल्ड यू लास्ट टाइम, पुली के बारे में बताया था कि पुली क्या काम करती है, और पुली में फिर एबीडी कैसे बनाओगे, एक्सप्रेशन कैसे लोगे, और गिविंग यू टू एग्जाम्पल्स ऑफ पुली। अब मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप यहाँ ठीक से देखना, ये एग्जाम्पल आपके लिए बिल्कुल एक नया है, इसमें एक नई चीज़ सीखोगे और साथ में थोड़ा सा टफ है, आप ध्यान से समझना। लुक एट दिस, ये एक पुली है, वही आइडियल मासलेस स्मूथ एंड ऑल। यहाँ पे एक ब्लॉक है, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू इसलिए दे देता हूँ, वैसे आई डोंट प्रेफर टू गिव द न्यूमेरिकल वैल्यू, आई ओनली वॉन्ट टू राइट एवरी थिंग इन द अलजेब्रिक फॉर्म। मैं इसलिए दे देता हूँ कि कुछ बच्चों को मैंने सिखाते सिखाते सीखा है, अलजेब्रिक वैल्यू से कुछ बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये दे दिया 4 kg, यहाँ पे एक पुली, सारी पुलिस ही आइडियल है, मतलब कोई मास नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये यहाँ पे अटैच्ड है। यहाँ पे एक 2 kg का ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है दिस ऑफ 2 kg, ये जो ब्लॉक है ना दिस ऑफ 2 kg, ये 4 kg, और ये पूरी यहाँ से स्ट्रिंग यहाँ से फिक्स्ड है। अब बोला गया इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। इसके पहले मैंने आपको जो दो एग्जाम्पल्स दिए थे पुली के, उन दोनों में याद करो, एक एग्जाम्पल था पुली कहीं से फिक्स थी, एक ब्लॉक यहाँ पे नीचे आ रहा था, एक ब्लॉक यहाँ था, पुली फिक्स थी, पुली वॉज नॉट मूविंग। दूसरा एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे एक ब्लॉक था, यहाँ पुली थी, और ये ब्लॉक यहाँ नीचे जा रहा था, इसमें भी पुली वॉज फिक्स्ड, पुली वॉज नॉट मूविंग। इस एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है, एक पुली मोशन में है, ये पुली जब ये ब्लॉक तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जब ये पुली नीचे जाएगी, जितना पुली नीचे जाएगी उतना ही ब्लॉक नीचे जाएगा, ब्लॉक की और तो मोबिलिटी है नहीं, जितना ब्लॉक नीचे जाएगा उतनी ही पुली नीचे जाएगी।
जब भी सिस्टम में एटलीस्ट एक ऐसी पुली है, कम से कम एक ऐसी पुली है जो पुली इटसेल्फ एक्सेलरेट कर रही है, जैसे यहाँ पे याली पुली, ये तो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, बट ये पुली एक्सेलरेट करेगी। जब भी सिस्टम में कम से कम एक ऐसी पुली है जो पुली भी एक्सेलरेट कर रही है, सो आप ये मानो कि सिस्टम में जितने भी ब्लॉक्स हैं उनका एक्सेलरेशन जरूरी नहीं कि सेम हो। इसके पहले मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए उनमें जितने भी ब्लॉक्स होते थे सबके एक्सेलरेशन सेम होते थे। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि सबके एक्सेलरेशन सेम हो, क्योंकि एक पुली मोशन में है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़, पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये हुआ कि जब पुली मोशन में है तो सिस्टम में जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, इट्स नॉट नेसेसरी दैट देयर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दिस वन स्ट्रिंग जहाँ से आई यहाँ गई यहाँ गई, मैंने बोला था टिल इट इज वन स्ट्रिंग द टेंशन विल रिमेन सेम थ्रू आउट। तो टी यहाँ है, टी यहाँ है, टी यहाँ है, टेंशन टी, पूरे में टी आएगा यहाँ पे, बिकॉज दिस वन स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग डिफरेंट है, इस स्ट्रिंग में टेंशन जो होगा वो टूटी होगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे टूटी होगा, एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फ्यूचर में आपको याद रखना है। जैसे मान ये टी वन होता, ये टी वन, और सपोज इसका टेंशन टी टू होता, मैं पुली का एबीडी बनाता हूँ, पुली में ऊपर टी वन, याली स्ट्रिंग ऊपर की ओर है टी वन, याली स्ट्रिंग नीचे की ओर टी टू, पुली का कोई मास तो है नहीं, तो पुली पे ऊपर की ओर फोर्स लगा टू टी वन, पुली की ओर नीचे लगा टी टू। आपको लगा पुली नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रही है, तो टी टू की वैल्यू टू टी वन से बड़ी होनी चाहिए, बट लुक एट दिस, फोर्स एफ इक्वल्स टू मास एम इनटू ए, ये न्यूटन्स लॉ। इफ आई कीप मास एम इज जीरो, देन एक्सेलरेशन ए होगा भी अगर, तो भी फोर्स विल बी व्हाट, जीरो। इन पुलीज हाउ मासलेस, इट्स एन आइडियल पुली, तो जब आइडियल पुली है मासलेस है, सो इवन अगर पुली नीचे की ओर एक्सेलरेट होगी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली विल बी व्हाट, जीरो। सो ऊपर की ओर का फोर्स नीचे की ओर के फोर्स के इक्वल होगा, सो टू टी वन इज इक्वल टू व्हाट टी टू। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे फोर्स टी लोगे तो यहाँ अपने आप से क्या कर दोगे, टू टी कर दोगे। सो मैंने यहाँ पे इसे टी ले लिया और यहाँ पे क्या किया, इसे टू टी ले लिया, इज दैट क्लियर। ये इस स्ट्रिंग में टेंशन टू टी और यहाँ टी। अब इस ब्लॉक के बी डी, इस ब्लॉक के बी डी में फोर जी नीचे, रिएक्शन एन वन ऊपर, टी आगे की ओर, तो एक्सेलरेशन तो इस ओर होना है, एक डायरेक्शन ये हो गई, एक परपेंडिकुलर, कोई भी फोर्स बीच में नहीं है, इसलिए कॉम्पोनेंट रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा। जिस ओर एक्सेलरेशन हो रहा है उस ओर का फोर्स कितना है, टी। तो फोर्स एफ इक्वल्स व्हाट मास एम इनटू ए, क्योंकि कोई भी फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं है। मैंने इसका एक्सेलरेशन ए वन माना। अब इस वाले ब्लॉक के बी डी, इस ब्लॉक के बी डी में टू जी नीचे है ना, टू जी नीचे और ऊपर क्या आएगा, टू टी। ऊपर की ओर जो यहाँ टेंशन टू टी है, वही ऊपर की ओर क्या आ जाएगा, टू टी, टू टी ऊपर आ गया। अब ये ब्लॉक नीचे जा रहा होगा, इसका मतलब टू जी टू टी से बड़ा होगा, और वन डी की तरह है, कोई दो डायरेक्शंस में चीज़ें हैं ही नहीं, तो नेट फोर्स नीचे की ओर क्या आ गया, टू जी माइनस टू टी, टू जी माइनस टू टी को वॉट ट्वाइस इंटू ए टू, इसका एक्सप्रेशन वॉट ए टू, इज दैट क्लियर। यहाँ पे मैंने देखा कई बार स्टार्टिंग में बच्चों को क्या होता है, जब मैं लिखता हूँ ना टी को सो फोर ए, तो बच्चे बोलते हैं आपने यहाँ पे एम जी और एन वन का तो लिया ही नहीं। ये पॉइंट मैंने सबसे पहले यही बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब आपने एबीडी बनाया तो एबीडी बनाने के बाद आपने क्या करा, ये डिसाइड किया कि किस ओर एक्सेलरेशन होने का चांस है, एक डायरेक्शन वो ली और एक उसके परपेंडिकुलर ली, फिर और अगर कोई फोर्स बीच में है तो उसे कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, फिर आपको इक्वेशन के एक साइड में नेट फोर्स उस ओर का लेना है जिस ओर एक्सेलरेशन होने का चांस है, बाकी दूसरी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इस ओर का नेट फोर्स इक्वल्स व्हाट मास एम इनटू ए, इज दैट क्लियर। आप समझ गए ना इसे। अब आपको लगा तीन अनोन्स है, टी ए वन ए टू, एंड यू गॉट व्हाट, ओनली टू इक्वेशंस, तो ऑब्वियसली फिर इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। सरदार कितने आदमी थे, दो, और गोलियां तीन, फिर भी वापस आ गए, तो यहां पे क्या होगा, उसका उल्टा है। इक्वेशंस आर गोली, दो गोलियां, और आदमी कितने, तीन, ए वन ए टू टी, तो यहां पे क्या होगा, काम नहीं चलेगा।
तो सरदार को एक और गोली देनी पड़ेगी। आप देखो, लुक एट दैट गोली ऑल्सो। अब आपको ये जो दो ब्लॉक्स हैं सिस्टम के, आपको इनके एक्सेलरेशंस को रिलेट करना पड़ेगा। हम रिलेट करते हैं इनके एक्सेलरेशंस को, ठीक से समझना, यही यहाँ का टफ स्टेप है। आप जैसे ये पुली, ये ब्लॉक तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जितनी ये पुली नीचे जाएगी उतना ही ब्लॉक नीचे जाएगा। जैसे पुली एक्स नीचे गई तो ये ब्लॉक भी क्या होगा, एक्स नीचे जाएगा। अब अगर ये पुली एक्स नीचे गई तो स्ट्रिंग की लेंथ एक्स इस साइड बढ़ जाएगी और एक्स इस साइड बढ़ जाएगी, लेकिन स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ से तो आएगी नहीं, यहाँ से तो फिक्स्ड है। तो जब ये पुली एक्स नीचे जाएगी तो उसके दोनों साइड में एक्स और एक्स लेंथ बढ़ जाएगी, और जब पुली एक्स नीचे जाएगी तो ब्लॉक भी एक्स नीचे जाएगा। आप लिख लो, ये ब्लॉक जब पुली एक्स नीचे गई तो ये ब्लॉक कितना नीचे गया, एक्स। आपने लिख दिया एक्स, ठीक ना, आपने क्या किया, लिख दिया एक्स, लिख दिया राइट एक्स एक साइड में। अब आपने क्या करा, एक्स ये नीचे गई पुली, एक्स ये ब्लॉक भी नीचे गया, वही एक्स आपने लिखा, जितना एक ब्लॉक मूव करा है आपने वो डिस्टेंस लिख दी। और ये पता किया कि एक्स यहाँ पे स्ट्रिंग इंक्रीज होगी, एक्स यहाँ पे ना तो स्ट्रिंग फैल सकती है ना ही यहाँ से आ सकती है, तो जो एक्स और एक्स टू एक्स लेंथ आई वो कहाँ से आएगी, यहाँ से, यहाँ से कितनी आएगी, टू एक्स लेंथ आएगी। तो ये ब्लॉक मान लो वाई आगे गया तो वाई कितना होगा, टू एक्स होगा। ये ब्लॉक एक्स नीचे गया, आपने एक्स लिख दिया था, अब जब x ये नीचे गया तो स्ट्रिंग लेंथ x यहाँ बढ़ गई, x यहाँ बढ़ गई, और वो आएगी कहाँ से, यहाँ से तो आ नहीं सकती है, इस ब्लॉक को 2x आगे जाना पड़ेगा। तो अगर ये ब्लॉक y आगे गया तो y क्या हुआ, 2x। अब आप क्या करोगे, रेस्पेक्टिव ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस को उनके डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर दो। इसका एक्सेलरेशन आपने क्या लिया था, a1, उसे कर दो a1 इक्वल टू 2। इसका एक्सेलरेशन क्या लिया था, a2, ट्वाइस ऑफ a2। तीसरा, ये तीसरी गोली आ गई, सो आप तीन आदमी तीन गोली, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, तीन इक्वेशंस हैं, तीन अननोन्स हैं, यू कैन सॉल्व देम। मैं एक बार फिर से बताता हूं, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दिस कॉल्ड कंस्ट्रेंट कंडीशन, दिस कॉल्ड व्हाट, कंस्ट्रेंट कंडीशन, ठीक है ना। कंस्ट्रेंट कंडीशन को जैसे मैंने लॉजिक से समझाया, आप इसे लॉजिक से ना करके आप इसे मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे, ठीक से देखना। जैसे आपने मान लिया कि याली लेंथ x है, इन सब को छोड़ दिया करो, जैसे आप बोलोगे यहाँ पे भी तो लेंथ है, ये बहुत छोटी, इसे नहीं कंसीडर करते हैं, x है, तो x लेंथ याली भी हो गई। याली लेंथ मान लो z है और याली लेंथ मान लो y है, ये लेंथ y है, इस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कितनी है, y प्लस 2x प्लस z, ये है ना, और ये कॉन्स्टेंट रहेगी, y प्लस 2x प्लस z, दैट विल बी व्हाट, कॉन्स्टेंट। अब इसे मैं क्या करता हूँ, मैं इसे टाइम से डिवाइड करता हूँ एक बार, ठीक है, हम इसे क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं, वैसे तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, y का डेरिवेटिव dy वाई बाई dt प्लस x का डेरिवेटिव, टू तो कॉन्स्टेंट है, dx बाई dt प्लस z का डेरिवेटिव dz बाई dt, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। अब देखो dy बाई dt क्या होगी, इसकी वेलोसिटी लिख दिया आपने v, ये ब्लॉक मान लो a था, ये ब्लॉक b था, आपने लिख दिया v a प्लस टू। dx बाई dt क्या होगी, जिस रेट से ये लेंथ चेंज होगी, जैसे ये लेंथ अगर एक मीटर बढ़ती है, ये एक मीटर बढ़ती है, तो ये पुली एक मीटर नीचे आ जाएगी और उतना ही ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा, तो दैट मीन्स की जो वेलोसिटी पुली की होगी वही ब्लॉक की होगी, सो दैट इज व्हाट, टू वी बी। और डी जेड बाई डी डी, जेड तो कॉन्स्टेंट है, जब ये पुली नीचे आएगी तो जेड लेंथ थोड़ी चेंज होगी, दैट इज व्हाट जीरो, दिस इज व्हाट, ये जीरो आ गया, दिस जीरो। सो इस इक्वेशन से आ गया वी ए इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ टू वी बी। अब आप क्या करोगे, फर्दर इसे टाइम से डिवाइड कर दो, या तो टाइम से डिवाइड कर दो, या आप ये मान लो किसी भी ब्लॉक की वेलोसिटी उसके एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे एक बार फिर से डिफरेंशिएट किया तो आ गया, मैं डिफरेंशिएशन यहां लिखता हूं इसका, वी ए डी वी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ टू वी बी बाई डी टी, टू वी डी वी ए बाई वी बी बाई डी टी इज व्हाट,
ये ब्लॉक ए था और ये ब्लॉक बी है, ये क्या हो गया, बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये आ गया। सो माइनस ऑफ टू बी ब्लॉक के एक्सेलरेशन को मैंने क्या माना था, ए टू। माइनस साइन नहीं लगाओगे, क्यों मैं बताऊंगा। और ये हो गया ए, दिस इज डी वी ए बाई डी टी, तो डी वी बाई डी टी वॉट इसका एक्सेलरेशन ए का, और ए का एक्सेलरेशन आपने क्या माना था ए वन, वही आ गया ना, ए वन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए टू। माइनस साइन केवल ये डिनोट करता है कि जब इसका वाई की वैल्यू कम होगी तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब एक साइड की लेंथ कम होगी तो दूसरी साइड की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। इट इज ओनली डिनोटेड बाई दैट, आपको मैग्नीट्यूड से मतलब था, ये मैग्नीट्यूड आ गया ना। तो जब क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा तो सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं आपको उनकी लेंथ कंसीडर करनी होंगी, सारी लेंथ के सम को कॉन्स्टेंट करना होगा। एक बार डिफरेंशिएट करोगे ब्लॉक्स की वेलोसिटीज आ जाएंगी, फिर डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशंस आ जाएंगे, ठीक है ना। बट फिर भी मैं आपको बताऊँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में, नॉट ओनली इन द जेई मेन नीट, जेई एडवांस में भी आपका काम जो चलने वाला है वो काम आपका जो मैंने पहले बताया था उससे चलने वाला है। तो मैं एक बार साफ साफ फिगर बना करके एक बार अपने पहले वाले मेथड को दोबारा बता दूँ, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे तीसरी गोली का अरेंजमेंट, लुक एट दिस। अब मैं मासेस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे केवल समझाना कि एक्सप्रेशंस को रिलेट कैसे करोगे, आप ठीक से देखना। ये स्ट्रिंग तो इस पुली से सीधे कनेक्टेड है, तो जितना पुली नीचे जाएगी उतना ही ब्लॉक नीचे जाएगा। मान लो एक्स नीचे गया, अब जो ब्लॉक एक्स नीचे गया, पुली एक्स नीचे आई, तो स्ट्रिंग की लेंथ एक्स यहाँ इंक्रीज हो गई, दोनों साइड में एक्स और एक्स, मतलब पुली अभी यहाँ है, पुली थोड़ा यहाँ आ गई, पुली जब एक्स नीचे आ गई तो ये स्ट्रिंग लेंथ एक्स और एक्स दोनों साइड में इंक्रीज हो गई, क्योंकि ये तो फिक्स है यहाँ से। तो स्ट्रिंग यहाँ की लेंथ ठीक है, सेम है, बट स्ट्रिंग लेंथ एक्स यहाँ इंक्रीज हो गई, एक्स यहाँ टू एक्स बढ़ गई, वो टू एक्स कहाँ से आएगी, इसे आगे जाना पड़ेगा, उसी से तो टू एक्स आएगी, स्ट्रिंग फैल तो सकती नहीं है, इट के नॉट एक्सटेंड। ये वाई आगे गया, तो जितना ये वाई आगे जाएगा वो कितना होना चाहिए, टू एक्स, और जिस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसे उसके एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर दो, बस तीसरा इक्वेशन आ गया, समझ गए ना। अब मैं इसी का एक और एग्जांपल देता हूँ, आप ठीक से देखना। स्टार्टिंग में जैसे आपको मैं जो आज एग्जांपल दूंगा उसके बाद फिर आप क्या करना, मे बी आपके पास एच सी वर्मा बुक होगी, मेरी बुकलेट में भी है, ऐसा नहीं, बुकलेट में भी क्वेश्चंस हैं और एच सी वर्मा में भी क्वेश्चंस हैं, तो आप कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। जब अटेम्प्ट करोगे, गलती करोगे, फिर कोई मिस्टेक करोगे और जो ना फिर स्ट्रगल करोगे और सीखोगे और फिर मुझसे पूछ लोगे तो बिल्कुल सीख जाओगे। नाउ से अब ये है एक ब्लॉक 2 kg, थोड़ा दूर बना रहा हूँ मैं, दिस 3 kg, दिस 4 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, सब कुछ स्मूथ, सब कुछ आइडियल, पुलीज आर आइडियल, नो फ्रिक्शन, नो मास, सरफेस स्मूथ, सरफेस स्मूथ, स्ट्रिंग्स आर ऑल्सो आइडियल। पूछा गया अब किसका क्या एक्सेलरेशन होगा, अभी भी यहाँ पे एक पुली चलेगी, ये तो फिक्स है, बट यारी तो चलेगी, जब ये चलेगी तो दैट मीन्स कि तीनों के एक्सेलरेशन सेम नहीं होंगे, दे माइट बी डिफरेंट। सॉल्व करने से सेम आ जाते हैं, दैट डज नॉट मैटर, बट आपको क्या लेना, दे आर डिफरेंट। आपने किया इसमें टेंशन टी, इसमें टी, यहाँ टी, यहाँ टी, वही सेम स्ट्रिंग है, यहाँ 2t, इसका इक्वेशन लिखा एबीडी 2g(n1t), इसके एक्सेलरेट होने का चांस किस ओर है, आगे की ओर, तो एक डायरेक्शन ये, एक याली, बीच में कोई फोर्स है नहीं, इसलिए कोई कंपोनेंट में रिजॉल्व नहीं करना है ना। अब जिस ओर फोर्स है उस ओर का, इस ओर फोर्स है उस ओर का नेट फोर्स कितना है, जिस ओर एक्सेलरेशन है उस ओर का नेट फोर्स कितना है, टी, तो टी बी कम्स इक्वल व्हाट, 2 × a1, इसका एक्सेलरेशन मैंने a1 मान लिया। अब इसके लिए 3g(n2), ग्राउंड से रिएक्शन n2, यहाँ पे टी, अब इसका भी एक्सेलरेट होने का चांस इस ओर है, एक डायरेक्शन ये, एक ये, ठीक है ना। बीच में कोई फोर्स होता तो कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व करते,
रिजोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं, जिस ओर एक्सेलरेशन है उस ओर फोर्स कितना टी, मास कितना 3 × a2, इसका एक्सेलरेशन ए टू मान लिया, इसका ए वन माना और इसका ए टू माना। अब इसका एफ बी डी ऊपर की ओर 2t, क्या बोला था मैंने, कोई स्ट्रिंग किसी बॉडी से जिस साइड में कनेक्टेड है टी उस साइड में होगा, तो यहाँ पे टी क्या होगा, इट बी अपवर्ड्स और इसका वेट 4g विल बी वॉट डाउनवर्ड्स, इज दैट क्लियर। सो आप यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में 2g 3g 4g सारे स्कैम्स आ गए। तो क्या हुआ यहाँ पे, 2t ऊपर और 4g नीचे, यू नो कि दिस ब्लॉक विल गो डाउन, तो नेट फोर्स, अब ये तो 1d जैसा, इसमें तो कोई दो डायरेक्शन ही नहीं है, सब कुछ एक लाइन के लॉन्ग, तो 4g माइनस टी इज द 2t इज द नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, 4g माइनस 2t दैट इक्वल्स व्हाट, 4 × a3। अब यहाँ पे कितने आदमी, 4, टी a1 a2 a3 गोलियाँ 3, 1 2 3, वी नीड वन मोर बुलेट। तो अब देखो आप, हम एक और बुलेट का अरेंजमेंट करते हैं सो दैट कि कालिए को गोली ना खानी पड़े। आप देखो यहाँ पे दिस व्हाट, हमें इसमें कंस्टेंट कंडीशन लेनी होगी। कंस्टेंट कंडीशन कैसे, ठीक से समझना, मानो कि ये ब्लॉक एक्स आगे गया, ये ब्लॉक वाई आगे गया, एक्स स्ट्रिंग यहां से कम हो गई, वाई यहां से कम हो गई, स्ट्रिंग फ्री कितनी हो गई, एक्स प्लस वाई, ये जो पूरी है जेड नीचे गई, तो स्ट्रिंग यहां पे कंज्यूम, जब ये जेड नीचे जाएगी स्ट्रिंग कंज्यूम कितनी होगी, 2z, हाउ 2z, जेड इस ओर बढ़ेगी लेंथ, जेड इस ओर बढ़ेगी, और ये पुली आप देखो यहां पे, ये पुली यहां है ऐसे है, और ये पुली यहां आ गई, दिखाई दे रहा नीचे तक का, ये दिस नॉट विजिबल, अब दिखाई दे रहा, हाँ देखो ये पुली यहां है, ठीक है ना, अब ये पुली मान लो यहां आ गई, ये पुली यहां आ गई, जेड डिस्टेंस नीचे आ गई, यहां आ गई ना जेड डिस्टेंस नीचे, तो ये जेड डिस्टेंस यहां बढ़ गई स्ट्रिंग की, जेड यहां 2z बढ़ गई, 2z बढ़ गई ना, और जो 2z लेंथ होगी आएगी कहां से, जो लेंथ यहां से फ्री हुई है स्ट्रिंग की, लेंथ तो कांस्टेंट होगी ना इसकी, तो जो लेंथ यहां से फ्री हुई, यहां से x फ्री हुई, यहां से y फ्री हुई, सो यू हैव x प्लस y इज इक्वल टू व्हाट, 2z, x यहां से फ्री, y यहां से फ्री, x प्लस y इज इक्वल टू व्हाट, 2z, यहां पे z यूज हुई है, z कंज्यूम हुई, 2z, रेस्पेक्टिव ब्लॉक्स को उनके डिस्प्लेसमेंट को, रेस्पेक्टिव ब्लॉक्स के डिस्प्लेसमेंट्स को उनके एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर दो, इसका डिस्प्लेसमेंट x, इसका एक्सेलरेशन क्या था, a1 प्लस इसका a2, ठीक है ना, और इसका एक्सेलरेशन क्या माना हमने, a3, तो ट्वाइस ऑफ इसका डिस्प्लेसमेंट z हुआ, तो मतलब इसका जितना z इसका होगा उतनी इसका होगा, तो दैट इज व्हाट z, तो दिस व्हाट ट्वाइस ऑफ a3। आपके पास चार इक्वेशंस 1, 2, 3, 4, चार अननोन्स, चार इक्वेशंस, यू कैन सॉल्व देम, सॉल्व हो जाएगा ना। अब एक और कंस्टेंट कंडीशन बताता हूँ, मेरे से दो तीन टाइप की कंस्टेंट कंडीशंस क्यों बता रहा हूँ, देर इज़ नो लिमिट फॉर द कंस्टेंट कंडीशंस, कि वो फिगर कैसा बना सकते हैं, देर इज़ नो लिमिट फॉर इट, बट फिर भी क्या होता है, हम धीरे धीरे अपनी सोच को, तुम्हारी नॉलेज को इतना वाइडन कर सकते हैं कि तुम्हें बोलना पड़ेगा देर इज़ नो लिमिट अप टू वॉट हाइट यू विल रीच, सो यू हैव टू रीच अप टू वॉट, लिमिटलेस हाइट। तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हो उन्हीं एग्जाम्पल्स से रिलेट करके, अरे उससे मैच कर रहा, उसकी मैं याली कंडीशन यूज़ कर लेता हूँ, उस वाले की याली कंडीशन यूज़ कर लेता हूँ, ये तुम्हें सोचने का नज़रिया पैदा करता है, ठीक है ना। अब आप देखो, मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक से देखना, नाउ यू विल सी कि जो है एक ब्लॉक ये है 10 kg का और एक ब्लॉक ये है 5 kg का, सो 10 kg एंड 5 kg, राइट, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग यहाँ से आई, ये पुली है जो कि एक मासलेस रॉड से इससे अटैच्ड है, ये स्ट्रिंग यहाँ से गई एक पुली से पास, ये पुली एक मासलेस रॉड से अटैच्ड है, पुलीज आर ऑल्सो आइडियल एंड द रॉड्स कनेक्टिंग रॉड्स आर ऑल्सो आइडियल मासलेस,
स्ट्रिंग इज ऑल्सो आइडियल यहाँ आई, एक और पुली से कनेक्टेड है, फिर यहाँ ग्राउंड पे एक हुक है, हुक फिक्स्ड है और ये ग्राउंड इससे अटैच्ड है। हमने यहाँ पे एक 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और पूछा गया इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस क्या होंगे, इनके एक्सेलरेशंस क्या होंगे आपको निकालने हैं। सो ग्रेजुअली तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यू आर मूविंग अहेड टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द मशीन्स, है ना। फिर अब आप देखो 50 न्यूटन फोर्स आपने इसको अप्लाई किया और पूछा गया इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक से समझना। अब तो यहाँ पे क्या कोई पुली ऐसी है जो मोशन में है? आप बोले यहाँ पुलियाँ ही पुलियाँ ऐसी हैं। जब ये पुली इससे मास्टर्स रॉड से अटैच्ड है, ये भी मास्टर्स रॉड से अटैच्ड है, ये ब्लॉक आगे जाएगा तो पुलीज भी तो आगे जाएंगी। जब ये ब्लॉक आगे जाएगा, ये मास्टर्स रिजिड रॉड से इससे पुली अटैच्ड है तो पुली आगे जाएगी। दैट मीन्स कि दोनों के एक्सेलरेशन सेम नहीं होंगे, अब आपको डिफरेंट लेने पड़ेंगे। अब सबसे पहले मैं टेंशन टी वाला काम करता हूँ। यहाँ टी एक ही स्ट्रिंग है, टी यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग टी, यहाँ पे भी टी सेम स्ट्रिंग है, यहाँ क्या आ गया 2T, यहाँ क्या आ गया 2T, यहाँ पे 2T और यहाँ पे क्या आ गया 2T, वही TT टू 2T मासलेस है ये, आगे जाएगी भी तो जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे, इसके ऊपर 2T सोर, यहाँ पे 2T सोर आ गया ना। अब मैं इसका इक्वेशन लिखता हूँ, ABD के बाद 5G आगे 50 न्यूटन, पीछे 2T यहाँ लगा, है ना, यहाँ 2T होगा ना, 2T यहाँ लगा, T और T पीछे लगा। बताया था जिस ओर स्ट्रिंग हो या यहाँ पे रॉड भी ले लो, लेफ्ट से अटैच्ड है तो उसका फोर्स 2T क्या होगा, पीछे की ओर, लेफ्ट की ओर होगा। अब इसका इक्वेशन डायरेक्टली, इसलिए एक्सेलरेशन इसका इस ओर है, एक डायरेक्शन ये हो गई, एक याली हो गई। क्या कोई फोर्स बीच में है जिसका कॉम्पोनेंट करना पड़ेगा? नहीं है, इसलिए कॉम्पोनेंट की जरूरत ही नहीं है। अब जिस ओर एक्सेलरेशन है आगे की ओर, उस ओर फोर्स कितना 50, पीछे की ओर फोर्स कितना 3T, टी यहाँ से, 2T यहाँ से, और कोई फोर्स नहीं। रिएक्शन यहाँ से N1 लगेगा, बट क्योंकि ये फोर्सेस हमें तो इस ओर के फोर्सेस चाहिए, इस ओर तो मोशन है ही नहीं, इसलिए इस ओर के फोर्सेस की कोई ज़रूरत नहीं। अब आप देखो यहाँ पे इसका भी मोशन इस ओर होगा, यहाँ 10G नीचे ग्राउंड से, रिएक्शन N2 ऊपर, यहाँ पे 2T और यहाँ 2T, और पीछे की ओर कोई फोर्स है ही नहीं। तो जिस ओर इसका एक्सेलरेशन होना आगे की ओर, यहाँ पे भी कंपोनेंट की कोई ज़रूरत नहीं, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और ये उसके परपेंडिकुलर हो गया, कोई फोर्स बीच में है नहीं, इसलिए कंपोनेंट की ज़रूरत ही नहीं है। जिस ओर एक्सेलरेशन है उस ओर का फोर्स 4T, 2T प्लस 2T, दैट इक्वल्स व्हाट, ये हमने लिया 4T, दिस इक्वल्स टू मास 5 × A1, इसका एक्सेलरेशन A1 माना और इसका एक्सेलरेशन मैं A2 मान रहा हूँ, सो दैट इज व्हाट, दिस इक्वल्स टू 10 × A2। अब फिर से वही हुआ, तीन आदमी A1, A2 और T, गोलियां दो, है ना, दो इक्वेशंस, तो एक और गोली का अरेंजमेंट कंस्टेंट कंडीशन से करते हैं। आपको लगेगा कि सर पहले वाले एग्जांपल में आपने कंस्टेंट कंडीशन दूसरे तरीके से निकाली, दूसरे वाले में फिर दूसरे तरीके से निकाली, इस वाले में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से निकाल रहे हैं। तो आप ये मान लो ये इसकी वेराइटी है, बाकी फिगर्स काफ़ी कुछ इससे मिलेंगे, कोई इससे, कोई इससे, कोई इससे, उनसे मिलेगा, जिससे कि आपको सोचने का तरीका जनरेट होगा। अब देखो यहाँ पे इसमें ऐसे करना है, अभी फॉर द टाइम बीइंग ये मान लो कि याला ब्लॉक रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है और आप इस ब्लॉक को एक्स आगे ले जा रहे हो, ये ब्लॉक रेस्ट पे और इसे आप एक्स आगे ले जा रहे हो। जब आप इसे एक्स आगे ले जाओगे तो ये देखो स्ट्रिंग की कितनी लेंथ लूज हो जाएगी। जब ये एक्स आगे गया इस पुली और इस ब्लॉक के बीच में, क्योंकि ये तो अपनी जगह फिक्स है, एक्स लेंथ यहाँ कम हो गई तो यहाँ पे स्ट्रिंग एक्स लूज हो गई, एक्स लूज यहाँ हो गई, एक्स लूज यहाँ हो गई और एक्स लूज यहाँ हो गई, क्योंकि फिक्स्ड हुक ऑन द ग्राउंड तो फिक्स्ड है। ये एक्स आगे बढ़ी तो ये पुली आगे एक्स बढ़ी, एक्स यहाँ लूज हो गई, एक्स यहाँ लूज हो गई, एक्स यहाँ लूज हो गई और एक्स यहाँ लूज हो गई, 1, 2, 3, 4 जगह एक्स लूज हुआ, टोटल लूज कितनी हो गई 4x। x जहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट है, अब इसके ले लो, अब इसे फिक्स्ड मान लो और इसे y आगे ले जाओ, ये अपनी जगह है, ये तो फिक्स्ड है ही। जब आप इसे y आगे ले जाओगे तो यहां पे y लेंथ बढ़ेगी, y लेंथ यहां बढ़ेगी, y लेंथ यहां बढ़ेगी, क्योंकि जब आप इसे y आगे ले रहे हो तो y डिस्टेंस ये बढ़ेगी, y ये बढ़ेगी, y ये बढ़ेगी, यहां तो बढ़ेगी नहीं क्योंकि ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो लेंथ बढ़ी कितनी 3y।
क्योंकि जब आप पुल करोगे स्ट्रिंग विल ऑलवेज बी टाइट, और स्ट्रिंग की लेंथ तो बढ़नी नहीं है। इसका मतलब कि इसके आगे जाने से जितनी लेंथ लूज होगी, इसके आगे जाने से उतनी लेंथ क्या होगी, कंज्यूम होगी। तो आप इसे वाई आगे ले गए, वाई लेंथ यहाँ बढ़ी, वाई लेंथ यहाँ बढ़ी, वाई लेंथ यहाँ बढ़ी, तो टोटल लेंथ कितनी बढ़ी, 3y। सो कीप इट 4x इज इक्वल टू व्हाट, 3y। अब रेस्पेक्टिव ब्लॉक्स के डिस्प्लेसमेंट्स को उनके एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर दो। इसका x लिया, इसका एक्सेलरेशन आपने क्या लिया था, a2, ये 10 kg वाला है ना, a2, तो 4a2 इज इक्वल टू व्हाट, 3a1। बस आ गया, तीन इक्वेशंस, तीन अननोन्स हो गया, है ना, तीन इक्वेशंस, तीन अननोन्स, यू विल गेट द रिजल्ट। आ जाएगा आंसर आपका, आ जाएगा ना, समझ गए इसे या नहीं समझ गए, इसमें कोई डाउट तो नहीं, बिल्कुल क्लियर ना। सो अब आपको इन एग्जांपल्स को, एक ये जो एग्जांपल्स हैं, आपको इन एग्जांपल्स को लेना है एक, मतलब इस तरीके से कि ये आपके टॉर्च बेरर हैं, इसके थ्रू आगे जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें आप समझोगे, ठीक ना। तो लॉज ऑफ मोशन में अभी मैंने आपको एमजी फोर्स से इंट्रोड्यूस कराया, नॉर्मल एक्शन से कराया, है ना, लिफ्ट के अंदर वाली प्रॉब्लम्स बताई, पुली वाली प्रॉब्लम्स, स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम, टेंशन टी से कराया, और एक कंस्टेंट कंडीशन वाली वो बताई। यहाँ पे भी आप कंस्टेंट कंडीशन से निकाल सकते थे, इसकी डिस्प्लेसमेंट इसे ले लो, ये लेंथ है एक्स, ये लेंथ है वाई, एक्स ये लेंथ है एक्स, एक्स ये है एक्स, ये है ये भी एक्स, ऑलमोस्ट यारी डिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है, इसे वाई ले लो। सो आप क्या करो, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है ना, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, दिस क्लियर ना, 3x प्लस वाई की बी टिकल कॉन्स्टेंट। उसके बाद क्या होगा, फिर आपको वेलोसिटी से रिप्लेस करना, वो मैं मे बी कि आपको इसी का दूसरे तरीके से जो है ना डिस्क, वो फिगर के साथ मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। अभी आपको एक तरीका पता लगा, उससे क्या होगा, आप यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, राइट। अब आप देखो, नाउ आई टेल यू वन मोर थिंग, अब आप देखेंगे कि अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वही है, अभी भी मैं आपको फ्रिक्शन से इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा हूँ। विदाउट फ्रिक्शन भी क्या होता है, जब भी फ्रिक्शन नहीं है तो अभी बहुत सी और भी चीज़ें हैं जिनसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक और भी कंस्टेंट कंडीशन में एक और देखो, ठीक है ना, फिर इसके बाद मैं एक दूसरी चीज़ से इंट्रोड्यूस कराऊँगा। कंस्टेंट कंडीशन में आप ये देखो, जैसे आपके पास यहाँ पे एक ये ब्लॉक है एम मास का, ये एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ये पुली से यहाँ पे है, और ये फिक्स्ड है, ठीक है ना, और ये एंगल थीटा है, ठीक से समझना, ये कोई वॉल है यहाँ पे, ठीक है ना, जहाँ से पुली फिक्स्ड है। अब मान के आपसे ये बोला गया कि आप इस ब्लॉक को, इस स्ट्रिंग को आप वी स्पीड से पुल कर रहे हो, तो ब्लॉक कितना आगे जाएगा, इस स्ट्रिंग को आप वी स्पीड से पुल कर रहे हो, ब्लॉक किस ओर कितना आगे जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसा कि ये ब्लॉक है और मैं वी स्पीड से स्ट्रिंग को इस ओर पुल करूँगा, स्ट्रिंग को वी से, तो ब्लॉक किस स्पीड से आगे जाएगा, वी से। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं स्ट्रिंग को वी स्पीड से पुल कर रहा हूँ और ये स्ट्रिंग इस ओर वी से जाएगी, तो ब्लॉक की वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट है और स्ट्रिंग जिस ओर अटैच्ड है वो डिफरेंट है। तो अब इस केस में इसकी वेलोसिटी जो इस ओर होगी वो वी नहीं होगी। निकालेंगे कैसे, अब ठीक से देख लो, ये मान लो डिस्टेंस एक्स है और ये हाइट वाई है और ये लेंथ एल है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल व्हाट, एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल व्हाट, एल स्क्वायर। मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ, सो डिफरेंशिएट करने से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, dx बाई dt, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का 2x और dx बाई dt। जिन्होंने डिफरेंशियल कैलकुलस की है, मतलब बेबी के दो तीन बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने डिफरेंशियल कैलकुलस अभी नहीं आती तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे, तो कोई बात नहीं है, दो मिनट लगेंगे मुझे, यू विल होल्ड इट, यानी कि अभी छोड़ के चले रहोगे, ठीक है ना, आप अभी मेरे साथ ही रहोगे। 2x dx बाई dt प्लस 2y और y का टाइम के रिस्पेक्ट में dy बाई dt, l का 2l dl बाई dt, dl बाई dt। अब मैं सबकी वेलोसिटीज डालता हूँ, जिस स्पीड से आगे जाएगा वही तो dx बाई dt होगा, x जिस रेट से डिक्रीज करेगा वो इसकी वेलोसिटी होगी, इस ब्लॉक की वेलोसिटी, मान लो वी ए मुझे निकालना था, यह आ गया ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू वॉट वी ए, ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू वॉट वी ए, डी वाई बाई डी टी, ये ब्लॉक कितना भी आगे पहुंच जाएगा, वाई तो कॉन्स्टेंट होगा,
जिस पॉइंट से स्ट्रिंग अटैच्ड है उसकी ग्राउंड से हाइट फिक्स्ड है, इसकी ग्राउंड से हाइट फिक्स्ड है, तो वाई विल बी फिक्स्ड, डी वाई बाई डी टी विल बी व्हाट, जीरो, बिकॉज दिस विल बी कॉन्स्टेंट. टू एल डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी इज व्हाट, जिस लेंथ से स्ट्रिंग चेंज होगी और स्ट्रिंग किस लेंथ से चेंज होगी, रेट से, जिस रेट से आप आगे पुल करोगे, सो दैट इज व्हाट वी. सो इससे टू से टू कैंसल्ड और वी ए की वैल्यू क्या आ गई, वी अपॉन वी एल ओवर एक्स, दैट बिकम्स वी अपॉन एक्स ओवर एल. Look at the figure. X over L is what? Cos theta. So that becomes what? V upon cos theta. This is what? VA becomes V upon cos theta. और जैसे ही मैंने क्वेश्चन दिया था तो मेरे क्वेश्चन देते ही हेमंत और कुछ बच्चों ने तुरंत आंसर क्या सोचा होगा, V cos theta आएगा. इस ओर V से जा रही स्ट्रिंग और इस ओर V cos theta उसका कंपोनेंट आ गया. So it's not V cos theta. It is what? V अपॉन cos theta. तो आपको मेथड नोटिस करना है, ये मेथड और भी बहुत सी जगह काम आएगा, ठीक है ना. अब मैं एक और भी चीज़ से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, आप ठीक से समझ लें, ठीक है ना. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ. इसके बाद आपकी सोच और आपकी दुनिया थोड़ी सी चेंज हो जाएगी. इट्स ऑल अबाउट वॉट, परसेप्शंस इन द फिजिक्स. मीन्स वॉट, अभी बचपन से क्या होता कि जैसे मैंने रिलेटिव मोशन में आपको बताया था कि आपसे पूछा जाए कि जो रोड के किनारे लगा हुआ पेड़ है उसके बारे में पूछा जाए कि उसकी वेलोसिटी क्या है, आप बोलोगे जीरो. और जब आपको चलती हुई कार से वो दिखाया जाए तो आप बोलोगे पीछे की ओर जा रहा है, बट साथ में आप बोलोगे एक्चुअली वो थोड़ी चल रहा है, मैं चल रहा हूँ और मेरे चलने से मुझे ऐसा लग रहा कि वो पीछे. So this is all about what is actual, what is real and what is not. So physics says what, कि आप जिस जगह से जो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं आपके लिए वही रियल है. फिजिक्स के सारे लॉज किसी भी फ्रेम से वैलिड हैं. ग्राउंड फ्रेम, चलता हुआ फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम, दे आर एप्लीकेबल फ्रॉम एवरीवेयर. मे बी उनके फॉर्म में थोड़ा बहुत चेंज आए, दे आर एप्लीकेबल. सो आप जब कोई लॉ लगाते हो, वी को यू प्लस ए टी, आपने बोला मैं चलती हुई कार से लगाऊंगा. मैंने क्या बोला था रिलेटिव मोशन में, सब कुछ ले लो चलती हुई कार के रिस्पेक्ट में, जिस चीज़ के लिए करना उसकी वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में वी भी ले लो, उसी की वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में यू भी ले लो, उसका एक्सेलरेशन भी उसका कार के रिस्पेक्ट में ले लो, वैलिड हो जाएगा. लॉ में थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ, बट मॉडिफिकेशन के बाद क्या हुआ, वो वैलिड हो गया, है ना. मॉडिफिकेशन होगा बट क्या होगा कि वो वैलिड हो जाएगा. और वैसे भी यू नो आजकल मॉडिफिकेशन का जमाना है, है ना. आजकल जो है ना जमाना किसका है, इसी का जमाना है. हर एक चीज़ का मोडिफिकेशन हो रहा है. सो अब यहाँ पे कैसे मॉडिफिकेशन होगा, दैट आई टेल यू, ठीक है. नाउ लुक एट दिस, आप एक फिनोमेनन को ऑब्जर्व करोगे. एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक कहीं पे ग्राउंड पे पड़ा हुआ है और आप एक गाड़ी में, कार में आगे जा रहे हैं, ठीक है ना. और आप कार के रियर विंड ग्लास से ब्लॉक को देख सकते हैं. आपकी कार एक स्टेशन से आगे जा रही है, आप कार के अंदर बैठे हैं और आपके पास एक मोबाइल फ़ोन भी है, है ना. और आपका एक दोस्त यहाँ खड़ा है रोड के किनारे कहीं पे, और उसके पास भी क्या है, मोबाइल फ़ोन है, ठीक है. उसके पास भी क्या है, वो यहाँ खड़ा हुआ और उसके पास भी मोबाइल फ़ोन है, ठीक है. अब उस दोस्त ने आपके क्या बोला कि मुझे ये बताओ, इसने आपको फ़ोन किया, उसने पूछा आपसे कि ये बताओ, इसने पूछा इससे कि ये बताओ ये ब्लॉक चल रहा है या नहीं चल रहा है. उसने बोला मुझे ये ब्लॉक, इसने क्या बोला, इसने बोला मुझे ये ब्लॉक एक स्टेशन से पीछे जाते हुए दिखाई दे रहा है. और आप समझ के हो गए, इसका एक्सेलरेशन इसके रिलेटिव तो ये होगा, इसका अपना एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, और इसके रिलेटिव निकालना तो जीरो माइनस माइनस ऑफ ए, मतलब मैं अगर इस ओर पीछे की डायरेक्शन पॉजिटिव मानता हूँ, आगे निगेटिव मान रहा हूँ, तो जीरो माइनस माइनस ऑफ ए क्या आ गया, ए, इसके रिलेटिव ये हुआ ना, और रिलेटिव वही है जो वहाँ से दिखाई देगा. तो इसने क्या बोला फ़ोन करके इसे कि एक स्टेशन से पीछे जा रहा है. इस आदमी ने फिर से फ़ोन किया, इस आदमी ने फ़ोन किया इसे, ओके इसका एबीडी जरा बनाना, एबीडी बनाने का मतलब बताना कि कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. उसने बोला एमजी नीचे लग रहा है, इसने बोला मैंने मार्क कर लिया.
रिएक्शन एन ऊपर लग रहा, बोला मैंने मार्क कर लिया। इस फिर से पूछा, इसने फिर से इसे फ़ोन किया और पूछा इससे, देख लो और कोई फोर्स नहीं? इसने बोला बस यही लग रहा है, एम जी नीचे एन ऊपर। तो फिर इसने फ़ोन करके बोला कि तुम बोल ये रहे हो कि फोर्सेस तो वर्टिकल हैं और इसका एक्सप्रेशन पीछे की ओर, आप ए बता रहे हो कि पीछे की ओर ये है, क्या यहाँ पे न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं है? क्यों ये दोनों फोर्सेस एन और एम जी जिस ओर आप एक्सेलरेशन बता रहे हैं ये उसके परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फोर्स का इस ओर कोई कंपोनेंट नहीं होगा? नहीं होगा ना। जो फोर्सेस इस ओर हैं उनका क्या होगा? इस ओर कोई कंपोनेंट ही नहीं होगा। जब इस ओर कोई कंपोनेंट नहीं होगा तो पूछा क्या गया कि फिर इस ओर एक्सेलरेशन कैसे होगा? बिना फोर्स के एक्सेलरेशन तो नहीं आएगा। तो इस आदमी ने बोला कि तुम अपने एबिलिटी को जरा चेक करो, जो तुम बता रहे हो मुझे कि एन और एम जी फोर्स हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है? इट कैन नॉट बी दैट। इसने बड़े ध्यान से देखा, इसने बोला नहीं बस लग रहा है एम जी नीचे लगेगा, एन ऊपर लगेगा यहाँ से कॉन्टेक्ट में, और तो कहीं से कोई कॉन्टेक्ट है ही नहीं कि फोर्स लगेगा। फिर इसने बोला कि नहीं मानते हो तो क्या करो, मुझे गाड़ी में बैठने दो और तुम यहाँ जो है ना, मैं गाड़ी में बैठता हूँ और तुम यहाँ खड़े। इसने यहाँ से देखा, उसे भी लगा एन नीचे एम जी ऊपर, लेकिन एक्सेलरेशन पीछे दिखाई दे रहा है। तो दोनों इस बात के लिए रेडी हुए कि रियली चलती हुई गाड़ी से न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं हो रहा है। पीछे की ओर एक्सेलरेशन तो इसके फ्रेम में है बट पीछे की ओर फोर्स नहीं है। ठीक है ना। तो दे सेड दे थॉट देयर इज समथिंग मिसिंग। सो व्हाट इज दैट मिसिंग? आई टेल यू दैट फिजिक्स में हम, पूरी फिजिक्स में हम ब्रॉडली कैटेगराइज करके दो टाइप के फ्रेम्स लेंगे। ठीक है ना। हम दो तरीके के फ्रेम्स लेंगे। एक फ्रेम क्या होगा? गोल। और एक फ्रेम क्या होगा? चौकोर। ठीक है ना। हमारे दो तरीके के फ्रेम्स होंगे। तो गोल और चौकोर नहीं, फ्रेम का मतलब होता है दैट प्लेस। फ्रेम का मतलब हुआ वो प्लेस जहां से ऑब्जर्वेशन लेते हैं। फ्रेम मीन्स व्हाट? प्लेस फ्रॉम हियर ऑब्जर्वेशंस आर टेकन, फ्रॉम हियर ऑब्जर्वेशंस आर टेकन एंड विद रिस्पेक्ट टू विच वी अप्लाई द लॉज ऑफ फिजिक्स, और जिसके रिस्पेक्ट में हम फिजिक्स के लॉज अप्लाई करते हैं। अब इंक फिल करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना। अब लुक एट दिस, दो टाइप के फ्रेम्स कैसे? एक फ्रेम का नाम होता है इनर्शियल। इनर्शियल, इनर्शियल इज व्हाट? अर्थ को हम बाय डेफिनेशन इनर्शियल मानते हैं, मतलब आप ये कह सकते हो इनर्शियल। ठीक है ना। अर्थ को हम बाय डेफिनेशन इनर्शियल मानते हैं। ठीक है ना। अर्थ इनर्शियल फ्रेम, और इसी फ्रेम का दूसरा नाम न्यूटोनियन है। मिस्टर न्यूटन ने पहली बार जब अपने लॉज दिए थे तो अर्थ के रिस्पेक्ट में दिए थे, तो उसी को न्यूटोनियन फ्रेम, और अर्थ के से लॉ दिए थे, अर्थ इज ए न्यूटोनियन फ्रेम। न्यूटोनियन फ्रेम की रिकॉग्निशन क्या है? वो अर्थ भी इनर्शियल है एंड एनी प्लेस विच इज नॉट एक्सेलरेटिंग, विच इज नॉट एक्सेलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जो अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट ना करे। जैसे अगर आपकी जो कार थी, कार कांस्टेंट स्पीड से जा रही होती तो फ्रेम क्या होता? इनर्शियल। क्योंकि मैंने बोला नॉन एक्सेलरेटिंग, विच इज नॉट एक्सेलरेटिंग, वेलोसिटी होगी कोई बात नहीं है। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही होती तो फ्रेम क्या होता? इनर्शियल होता। और दूसरा क्या है? एनी प्लेस, दूसरा है नॉन इनर्शियल। मैं इस चीज को अब रब कर देता हूं। दूसरा फ्रेम क्या है? दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है नॉन इनर्शियल, और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? एनी प्लेस विच इज एक्सेलरेटिंग, विच इज एक्सेलरेटिंग विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, जो अर्थ के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट करेगा, दैट इज व्हाट? नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब आप देखेंगे जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से एबीडी बनाओगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम से फिजिक्स न्यूटन्स लॉज अप्लाई करोगे तो उसमें मॉडिफाई करना पड़ता है, वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता। अभी आपने देखा एप्लीकेबल नहीं हो रहा है।
कार वॉज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज दैट वॉज एक्सेलरेटिंग. आपने जब कार से उस बॉडी का ऑब्जर्वेशन लिया तो आपको कार से बॉडी का ऑब्जर्वेशन लेने में दिखाई क्या दिया, पीछे की ओर एक्सेलरेट हो रही है. आपको ना पीछे और एक्सेलरेट हो रही है तो पीछे की ओर फोर्स होना चाहिए, बट कोई फोर्स नहीं था. तो हमें क्या करना पड़ता है कि टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज फ्रॉम दिस फ्रेम, टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज फ्रॉम दिस फ्रेम, न्यूटन्स लॉज आर स्लाइटली मॉडिफाइड. उन्हें हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. वॉट इज द मॉडिफिकेशन, आई टेल यू दैट. ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक से देखना. उन्हें हम थोड़ा सा क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं. और मॉडिफाई क्या करते हैं आप ठीक से समझना. ठीक है, लुक एट दिस. तो इस फ्रेम से, नॉन इनर्शियल फ्रेम से न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए व्हाट वी डू, टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज फ्रॉम दिस फ्रेम, न्यूटन्स लॉज आर स्लाइटली मॉडिफाइड. व्हाट इज द मॉडिफिकेशन, लुक एट दिस. आपने बॉडी का एबीडी कार के रिस्पेक्ट में बनाया. कार एक स्टेशन से आगे जा रही थी, है ना, विंटेज कार एक स्टेशन से आगे जा रही थी. और इस ब्लॉक के एबीडी बनाए, एमजी नीचे, रिएक्शन एन ऊपर. ये तो आप ग्राउंड फ्रेम से भी बनाते हैं बीडी में एम जी और एन. ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है. जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसी ब्लॉक के बीडी बनाओगे तो जो रियल फोर्सेस एन और एम जी लग रहे हैं उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे, उस एक्स्ट्रा फोर्स को हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स. स्यूडो का मतलब जानते हो ना, झूठा नहीं है लेकिन है. स्यूडो फोर्स, स्यूडो को फिक्टिशियस भी बोलते हैं. ठीक ना, फिक्टिशियस फोर्स किस ओर लगाओगे, जिस ओर फ्रेम का एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट. ये स्यूडो फोर्स हुआ. कितना लगाओगे, जिस बॉडी का एबीडी बना रहे उसका मास इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन ए. कितना लगाओगे, जिस बॉडी का एबीडी बना रहे मास उसका इनटू व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम. और किस ओर लगाओगे, फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट. अब बस आपका न्यूटन्स लॉ अब एप्लीकेबल. बस क्या होगा, कितना मॉडिफिकेशन करना है. जब भी आप बॉडी का एबीडी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में बनाओगे और नॉन इनर्शियल फ्रेम से न्यूटन्स लॉज लगाओगे तो जो रियल फोर्सेस हैं वो तो लगाओ, इन एडिशन टू दैट एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाओ, दैट इज व्हाट, स्यूडो फोर्स और लगा दो. बस स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, आई टोल्ड यू. और स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो भी बताया. अब स्यूडो फोर्स के लगने से देखो क्या होगा. मैं यहाँ से न्यूटन्स लॉ इस ब्लॉक के लिए अप्लाई कर रहा हूँ. आपने देखा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपको इस ओर दिखाई दिया, एक डायरेक्शन ये, एक ये, कोई फोर्स बीच में नहीं है. इसे किसी फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं करना है, क्योंकि कोई भी फोर्स बीच में नहीं, इसलिए आपको क्या करना है, किसी भी फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं करना. अब करना क्या है, जिस ओर एक्सेलरेशन है उस ओर नेट फोर्स कितना, एम ए. जैसे आपको लगे कि एम ए तो दूसरी साइड में लिखना चाहिए था, ये एम ए फोर्स है, ये मास एम इनटू ए नहीं है, ये फोर्स है, स्यूडो फोर्स. मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ दिस व्हाट. कोई जरूरी नहीं कि हर बार स्यूडो फोर्स आएगा, बस इस ओर कोई हो सकता और भी फोर्स होता, बाय द वे यहाँ नहीं था. तो क्या हुआ, जिस ओर एक्सेलरेशन है जो बेसिक चीज बताई गई थी उस ओर का फोर्स एम ए, राइट हैंड साइड में क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन. आपने किया मास एम, अब एक्सेलरेशन ए डैश. तो यहाँ पे जो ए डैश आएगा ये ए डैश किसके रिलेटिव होगा, विद रिस्पेक्ट टू कार. ये कार के रिलेटिव, यानी यूसी नॉन नेचुरल फ्रेम के रिस्पेक्ट में. दैट मीन्स कि बस दो मिनट लगेंगे, बट होगा क्या, आपने वो फोर्स स्यूडो फोर्स लिया और फिर बाकी वही पुराने वाला तरीका. एक्सेलरेशन इस ओर होने का चांस है, इसी ओर दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ से एक्सेलरेशन इसका ब्लॉक का इस ओर दिखाई दे रहा है. तो इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलरली, बीच में कोई फोर्स नहीं, इसलिए कंपोनेंट में रिजॉल्व नहीं करना है. जिस ओर एक्सेलरेशन उस ओर का नेट फोर्स इक्वल्स टू मास एम इनटू ए. यहाँ पे फर्क क्या पड़ा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब आप राइट हैंड साइड में ए लिखते थे वो ए किसके रिस्पेक्ट में होता था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. और यहाँ पे ए किसके रिस्पेक्ट में होगा, इसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं. सो ए डैश की वैल्यू क्या आ गई, ए आई ना. और आपको पता है यहाँ से आपको इसका एक्सप्रेशन कितना दिखाई दे रहा था, ए, अब एक्सप्लेन हो गया ना. ए डैश इस ब्लॉक का एक्सप्रेशन इसके रिलेटिव है, कितना आया ए. और आपको यहाँ से इसका एक्सप्रेशन दिखाई भी कितना दे रहा था, ए.
दैट मीन्स कि न्यूटन्स लॉज वैलिड हो गए और आपका ऑब्जर्वेशन भी क्या हुआ, बिल्कुल करेक्ट हो गया. इज दैट क्लियर? जैसे आप तो दैट मीन्स वॉट कि ये मत समझना कि नॉन इनर्शियल फ्रेम तब लगाएंगे जबकि हमें किसी ब्लॉक का एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिलेटिव ही निकालना हो. ठीक है ना? ये तो बिल्कुल सर्टेन है, जब उसके रिलेटिव निकालना तो लगाना पड़ेगा. बट ग्रेजुअली धीरे धीरे तुम्हें प्रॉब्लम्स के थ्रू समझ में आएगा कि किन क्वेश्चंस में नॉन इनर्शियल फ्रेम लगाना और किन क्वेश्चंस में नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं लगाना. ग्रेजुअली तुम्हें क्या होगा वो बात समझ में आ जाएगी. आप समझ गए ना मेरी बात? ठीक है ना? सो हो सकता है कि मैं आपको आज एक कोई मेरी और भी पहले की वीडियो है वो हो सकता मैं आपको भेजूँगा, लिंक भेजूँगा. ठीक है ना? सो दैट कि वो इसके आगे और क्या है, मतलब ऐसा नहीं कि वो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो मैं क्लास में भी कराऊंगा, बट ऐसे ही तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए, नॉलेज के लिए भेजूंगा. ठीक है?